पानीपत शहर आए दिन हादसों का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसों का शिकार हो रहा है, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इतने हादसे होने के बावजूद लोग इस बात को नहीं समझते कि उन्हें तेज गति से और लापरवाही से अपने वाहनों को नहीं चलाना चाहिए। ताजा मामला पानीपत के मॉडल टाउन के रामलाल चौक से सामने आया है, जहाँ ई रिक्शा पलट जाने से 2.5 वर्षीय मासूम की ई रिक्शा के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक हरनीत के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी सुनीता कैथल के गांव कैलरम से 5 दिन पहले पानीपत की पीपल कॉलोनी में अपने मायके आई हुई थी। वह दोबारा अपने ससुराल जाने के लिए रिक्शा में बैठकर पानीपत बस स्टैंड की तरफ जा रही थी कि जैसे ही रिक्शा पानीपत के रामलाल चौक के पास पहुंची तो वह पलट गई। सुनीता और उसका 2.5 साल का लड़का उसके नीचे दब गए, जिसमें बच्चे की माँ को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वहीं उसके बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे के शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया है। ये हमारा भाई है जी, छोटा, उनकी शादी हुई है पानीपत में। वो जो बहू थी वो मायके आई थी यहाँ, और 5-6 दिन रहने के बाद वो अकेली बेटे के साथ, जिनकी उम्र 2.5 साल के करीब थी, वो अपने घर से ई रिक्शा में बैठ के बस स्टैंड पर आ रही थी कैथल में, इधर पानीपत में, तो ई रिक्शा पलट गया और बच्चा उसके नीचे ही आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।